और जो किया होगा उसका हिसाब आपको पहले से देना होगा। से ये जो अजीब अजीब किस्म की खबरें फैला रहे हैं, ये और फैलाएंगे, और नफरतें फैलाएंगे, झूठ फैलाएंगे। हर गांव में इन्होंने आरएसएस का आदमी भेज रखा है, हर गांव में जम्मू के। जरा आए ना कश्मीर, हम भी देखते हैं कौन आ सकता है इनमें से, क्योंकि हम में वो दम है इनका जवाब देने का। हम उन पर लाठी नहीं चलाते, हम इनको अपने अपने मुंह से कहेंगे गलती गलती कहा है। कोई काम नहीं तुम्हें और, इसे आपसे कहता हूं मीडिया वालों, उसे डरो, इनसे मत डरो, डरो जिसे तुम्हें पैदा किया, सच्चाई की तरफ उसी के सामने हमने जाना है, तुमने भी और मैंने भी, वहां कोई फर्क नहीं होगा, ये बादशाह या गदाकार सब बराबर। हिम्मत हिम्मत, और कोई भी जम्मू कश्मीर को अलग नहीं कर सकेगा, वो लाख कोशिश करे नहीं कर, चिल्लाएं चिल्लाएं चिल्लाएं, यहां से अलग करेंगे, उधर से अलग करेंगे, इधर से यहां खींचेंगे। अरे भाई खींच के तो दिखाओ। और फिर एक साहब कहते हैं डिक्सन प्लान, वाह मेरे ख्याल से वो डिक्सन कब्र से उतरा होगा और रात को इसको एक भूत बन के आया होगा कि डिक्सन प्लान, वाह। आप कौन सा प्लान लाओगे, डिक्सन तो मर गया, आप कौन सा प्लान लाओगे? यह हालत झूठ नफरत। और मैं भाई बहनों से सिर्फ अपील करता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए कि हम नफरत को डुबो सकें, नफरत को जन्म में पीट सकें और भाईचारे को जिंदा रख सकें, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पूछा टेलीफोन किया धोबी को, आप क्यों नहीं आए हमारे कपड़े लेकर? जगह जनाब आज नौमी है तो मेरी छोटी बेटी 7 साल की है, वो इन घरों में जाती है जहाँ मैं कपड़े धोता हूँ, और इसको उस दिन वो भगवती का रूप देते हैं और उसकी पूजा करते हैं, याद भी होता है गंगा पूजा, गंगा पूजा होती तो इसकी पूजा होती, इसलिए हमें देर लग गई आपके यहाँ आने में। उसने कहा ये कौन है? उसने कहा यही वो बेटी है मेरी जिसकी कन्या पूजा हुई थी। वो बेटी बड़ी खुश कि उसने आज उसकी पूजा हुई, उसने थोड़े से पैसे भी कमा लिए, बड़ी खुश थी। तो इस औरत ने उससे पूछा, प्रीति ने धोबी से, तुम्हारा नाम क्या है? देखिए हैरानी देखिए, धोबी कहता है मेरा नाम मोहम्मद है। उसका दिल बैठ गया, कहने लगा मुसलमान लड़की की पूजा हो रही है। थोड़ी देर में इसके आंसू आने लगे कि देखो, और कहती है ये उनको मैं कहना चाहता हूं जो ये नफरत फैला रहे हैं, और कहती है आंसू से कि आज भी मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, आज भी मेरे हिंदुस्तान में नफरत गायब हो। भाई लोगों याद रखो, इस वतन में आज भी इंसानियत है, आज भी लोग हैं जो हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत करते हैं, और इंशाल्लाह ये भारत रहेगा, ये मोहब्बत रहेगी, यही चले जाएंगे जो नफरत फैला रहे हैं, यही मर जाएंगे। हमें लगा हुआ है और हम लोग बम गाड़ी लेकर दूसरे मुल्क के घर के बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं चलेगा, इसे बाज आई, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, राजीव गांधी की भी हुकूमत थी, 400 थे मेंबर,
आपके भी 300 है, एक दिन दूर नहीं है जब आप भी नीचे आ रहे हैं। ये नफरत का डंका जो आप बजा रहे हैं ना, ये थोड़ी वक्त चलेगा, हर वक्त नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। आज भी हिंदुस्तान में लोग हैं जो इससे नफरत करते हैं जो आप फैला रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों सुनो, और ये मीडिया वाले सुने, बद्री रैना साहब बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं,